नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 7 स्किल नंबर 4, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में फॉलो अप करें, कैसे करें, क्या करें। अब एरिक साहब कहते हैं कि 4 कॉन्सेप्ट हैं जो आपने सीखने समझने हैं फॉलो अप के माध्यम से। साहब का कहना ये है कि फॉलो अप करना मतलब सबसे पहले अपना एक डिसिप्लिन होना कि अगर आप कुछ कहते हो तो वो आप उस समय पे उतना करोगे, तब जाके खुद का एक रिस्पेक्ट आप बनाओगे अगले या सामने वाले के ध्यान में या आंखों में। तो अगर आपने किसी को कहा कि मैं 4 बजे इस फलाने जगह पे आऊँगा, तो आपने 4 बजे के पहले वहाँ पे पहुँच जाना है, तभी वो आपकी सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा, तभी वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा। अगर आप वो नहीं करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने समय की, अपने शब्दों की कीमत नहीं करते हो और अगला भी इसी तरह आपके समय की और आपके शब्दों की कीमत नहीं करेगा, और दूसरा आपने उसके समय की भी कदर नहीं करी, विच इज़ बैड, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉट गुड। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आप कहते हैं कि जब आप मिलते हो किसी को, जो भी वार्तालाप करते हो, तो वो वार्तालाप का लास्ट जो एंड है वो अगले मीटिंग के तरफ का होना चाहिए। उस मीटिंग में अगले मीटिंग की एक डेट तय हो जानी चाहिए, समय तय हो जाना चाहिए, प्लेस ऑफ मीटिंग तय हो जानी चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा होगा वो तय हो जाना चाहिए। तो क्या होगा कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करके चलोगे। और वो क्यों ज़रूरी है? वो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्वर्जेशन को, आप विचारों को ओपन एंडेड नहीं छोड़ते हो, आप एक डायरेक्शन वाले विचार और कॉन्वर्जेशन कराते हो, ठीक है। और जब आप प्रोस्पेक्ट को आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दे दिया, बात छेड़ना या शुरू करना करते हो, तो आपको प्रेजेंटेशन के बारे में पॉजिटिव प्रश्न पूछने हैं कि भाई आपको इसमें क्या अच्छा लगा, भाई इसको आप करके क्या आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट लग रहा है। तो क्या होगा कि सामने वाला भी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेगा और आपको उस तरीके से वो रिप्लाई करेगा, ना कि ओपन एंडेड, भाई हाँ क्या विचार है आपका, अब आपने खुला उसको छोड़ दिया, क्या विचार है, वो दुनिया भर की बतौलेबाजी करेगा। तो वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग वेल, वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग टू द प्लेस और टू द टाइम वेयर वी शुड प्रोग्रेस। तो हमेशा एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन के साथ में अगली मीटिंग के तरफ आप उस व्यक्ति को ले चलो। तीसरा कॉन्सेप्ट जो साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि ऑन एन एवरेज किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर जो रिलेशनशिप है या जो बिजनेस का जॉइनिंग होता है, दैट टेक्स अबाउट 4 to 6 मीटिंग्स। साहब उसको एक्सपोजर बोलते हैं। तो 4 to 6 मीटिंग्स लगती हैं, 4 to 6 टाइम्स द पर्सन वुड कम, मीट, टॉक, अंडरस्टैंड, थिंक, गो अवे, अगेन गेट इन टू हिज लाइफ, फिर वो सोच समझ के फिर आएगा आपके पास। तो वो एकदम से एक झटके में हाँ नहीं कहेगा, जिसको काम करना है, ठीक है। तो जिसको काम करना है वो थोड़ा सा समय लेगा, सोचेगा, ब्रशअप करेगा, अपनी नॉलेज गेन करेगा, दो बातें किसी से चेक करेगा, जो करना है ही विल डू एंड देन ही विल कम बैक ऑन ट्रैक। सो इट टेक्स अबाउट 4 to 6 मीटिंग। अब उसमें साहब ये कहते हैं कि आप अपनी मीटिंग जो करो, तो आप बिकॉज आपका खुद का स्केड्यूल बिजी होगा, तो ये नहीं कि आप उसके साथ में लप्पेबाजी कर रहे हो, बतौलेबाजी कर रहे हो कि भाई बस बातें करते रहो, नहीं ऐसे नहीं, टू द पॉइंट बातें करनी है, एक अर्जेंसी वाला एलिमेंट भी रखना है, बट साथ में पेशेंस भी रखनी है थोड़ी सी कि भाई अगला क्या कह रहा है तो उसको आप सुने, आप प्रश्न पूछे, उसको क्या कहना है वो आप ध्यान से सुने। तो होगा क्या कि धीरे धीरे आपकी जो रिलेशनशिप है उस व्यक्ति के साथ में बिजनेस के एंगल से वो अच्छी होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। और समय लगता है लोगों को, तो आपको भी समय देना चाहिए, घाई नहीं करनी चाहिए, घाई करोगे तो बंदा टूट जाएगा, उसकी सोच टूट जाएगी, तो दोनों तरफ नुकसान होगा। चौथा साहब कहते हैं कि
आपकी जो मीटिंग है उसको आप क्रिस्प रखो, छोटी रखो। ये नहीं कि भाई दुनिया भर की, गांव भर की बातें कर ली, ऐसे नहीं। टू द पॉइंट बात करें, और प्रश्न जवाब अंडरस्टैंडिंग जो भी बात करनी है टू द पॉइंट करके कम समय में उस मीटिंग को ख़त्म करें और आगे बढ़े और अगले को भी आगे बढ़ने दें, ठीक है। तो ये चार कॉन्सेप्ट जो हैं फॉलो अप के, ये हमने ध्यान में रखने हैं। पहला कि भाई हमने क्या कहते हैं इसको, अपना पहला जो है वो है आपका जो आप कहते हो वो करो। दूसरा है कि आप मिलो ताकि थोड़ी बात हो और आप अगली मीटिंग की तारीख तय करो, ठीक है। तीसरा है कि आप, मैं मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति 4 से 6 मीटिंगें लेगा, बातें करेगा, सुनेगा आपको, आपको सुनना है, तब जाके वो ज्वाइन करेगा, और लास्ट में जो आपकी मीटिंग्स हैं उसको आपने छुट्टी रख ली। उसके बाद साहब कहते हैं कि क्वेश्चंस और आंसर्स, और क्वेश्चंस या ऑब्जेक्शंस, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास प्रश्न होंगे, उसके पास ऑब्जेक्शंस होंगे, ठीक है। और साहब कहते हैं कि हमारा काम है अगले को एडुकेट करना, अगले को समझाना। हमने कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं छोड़नी, हमने कोई बहुत शाइनिंग नहीं करनी, हमने कोई उसकी बात को नहीं दबाना। हमारा काम है कि उसकी अज्ञानता को दूर करना। अब वो जानबूझ के प्रश्न पूछ सकता है, जानबूझ के टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछ सकता है, अच्छे जेन्युइन क्वेश्चंस पूछ सकता है। हमारा काम है उसको जवाब देना अच्छे से, ठीक है। अब लोगों के पास दो तरीके के ऑब्जेक्शंस होते हैं, दो तरीके के सोच होती है। एक के खुद के ऊपर उनका क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा, क्या मेरे पास समय है, क्या मेरे पास पैसे हैं, क्या मैं ये काम मेरे लिए है। और दूसरा जो एक सोच का दायरा होता है वो होता है इंडस्ट्री के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, कि भाई ये MLM है, ये पिरामिड है, ये चेन सिस्टम है, इस तरीके के कुछ ना कुछ विचार उनके चलते हैं। तो अब साहब का कहना है कि जब व्यक्ति पहले टाइप वाली विचारधारा रखता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, समय नहीं है, मेरे पास एबिलिटी नहीं है, तब साहब कहते हैं कि आपको उसके जूतों में पांव रख के बात करनी है, और उसको इस तरीके से बात करनी है कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारा ऑब्जेक्शन है, मेरा भी ऑब्जेक्शन, मेरी भी सोच जब मैं शुरू कर रहा था तब इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग थी कि भाई ये मेरे लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर फिर जब मैंने इसको थोड़ा सा मच्योर होके और सोचा, तब मुझे पता चला कि भाई ये ऑब्जेक्शंस हैं या ये क्वेश्चंस हैं, इसके सारे आंसर्स हैं, अवेलेबल है, और एक बार ये क्वेश्चंस आंसर हो गए देन तो आगे सिर्फ काम ही काम है और बढ़िया सा काम है। तो ये आपकी सोच, आपकी जो फीलिंग है, ऑब्जेक्शन है, ये बहुत स्वाभाविक है, नॉर्मल है, कोई इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी तरीके से एक रोचक काइंड ऑफ स्टोरी के हिसाब से आपको इसको बताना है, जो आपकी स्टोरी है वो उसको आपके प्रोस्पेक्ट को बताना है। फिर जब लोगों के पास इंडस्ट्री के बारे में जब बात करते हैं तो आपने उनको उसी पॉइंट पे पूछना है कि अगर वो कोई कहे कि ये MLM है, तो आपने ये पूछना है कि फिर आप MLM के बारे में क्या जानते हो, आपने शायद कभी सुना होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो अपनी स्टोरी कहेगा, तो उसको आप ध्यान से सुनना है। तो साहब का कहना ये है कि पहले आप उनसे प्रश्न इस तरीके से पूछे कि वो पूरी बात अपनी बताए, और वो जितनी बातें बताएंगे तो वो पूरा अपना जो अंदर का है वो आपके समक्ष रख देंगे। फिर उसके बाद आपने उस जो जो पॉइंट रखे उस पॉइंट के हिसाब से आपने उनको आंसर करना है, उनको पॉजिटिवली आंसर करना है, और उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनके जो डाउट्स हैं, उनकी जो एम्बिग्विटी है या क्लैरिटी नहीं है, उसको दूर करना है।
ताकि वो जब वेल इन्फॉर्म्ड हो, उनके पास इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, तो वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए। ठीक है ना? तो ये साहब कहते हैं कि जो चार कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस हैं खुद के रिलेटेड, इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो ये जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने लोगों को मिलोगे, खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके के वीडियो सुनोगे, बुक्स को रीड करोगे और उस ऑब्जेक्शंस को आंसर देते हुए, ध्यान से सुनते हुए प्रैक्टिस करोगे, तब फिर आप मच्योर हो जाओगे। और आप जितने ही लोगों को मिलोगे, आपको पता है कि ये 10 या 20 क्वेश्चंस हैं या ऑब्जेक्शंस हैं, ये इसी तरीके से इनका आएगा, तो आपके पास जवाब भी मोटा मोटा रेडी होगा। और जैसे जवाब आपके पास रेडी होता है, आप पूरे एक भावना से सकारात्मक अप्रोच रख करके जब सामने वाले को बोलते हो, तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगेन साहब का एक ही मैसेज है, सीखें इन कॉन्सेप्ट्स को, इनको प्रैक्टिस में लाएं और इसमें इतनी आप मैच्योरिटी लाएं कि आप इन इन एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में आप मास्टरी अचीव करें। तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आपको कौन सी बात अच्छी लगी, या आप कौन सा पॉइंट रखना चाहते हो, कमेंट्स में प्लीज़ लिखें और मुझे बताएं कि भाई मैं किस बात पे इम्प्रूव करूं। आपका जो कमेंट्स होता है, आपके जो पॉइंट्स होते हैं, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं आगे मूव होने के लिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट करें, कंट्रीब्यूट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और मेरे इस सब्जेक्ट पे तमाम जो वीडियो हैं उनको आप अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनकी भी रीडिंग हो, उनके भी नॉलेज बढ़े और आप और आपकी टीम एक साथ आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू।